पेरेंट्स होते हैं जो सपना देखते हैं, साथ में बच्चे का के साथ सपोर्ट होता है और वो सपना एक दिन जाके पूरा होता है। मेडिपीडिया एक सूत्र है बस, जो पेरेंट्स को और बच्चे को सपोर्ट करता है उसका सपना पूरा करने के लिए। नंबर आ जाने के बावजूद कई बार ऐसा होता है कि उसके अच्छे नंबर हैं बट वो कहीं ना कहीं काउंसलिंग की नॉलेज के अभाव में सही कॉलेज में नहीं पहुँच पाता है। तो पेरेंट्स की 20 साल की मेहनत, बच्चे की 3-4 सालों की मेहनत, वो सब पानी में है Until and unless we are reaching a good college, क्योंकि अगले 5-5.5 साल की जर्नी नहीं, एटलीस्ट 8-8.5 साल की जर्नी है। आज हमारे साथ हैं तेज प्रताप के पेरेंट्स जो लखीसराय से हैं, और आज तेज प्रताप का एडमिशन उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छे कॉलेज NCR मेडिकल कॉलेज में हुआ है, मेरठ में। तो आइए जानते हैं उनसे कि आप डॉक्टर बनाना क्यों चाहते थे बच्चे को, और डॉक्टर बनाने की जर्नी में क्या क्या मिला, कैसे वो मेडिपीडिया के कॉन्टैक्ट में आए, और मेडिपीडिया ने उन्हें इस पूरी जर्नी में कैसे सपोर्ट किया। शुरू से लेके अभी तक तेज प्रताप की जर्नी, उनके पेरेंट्स की जर्नी कैसी रही? मेरा नाम विजय शंकर है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार में एक जगह है लखीसराय, मैं वहीं से हूँ। इनफैक्ट मैंने डॉक्टर के लिए तब सोचा जब मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में था, मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था लेकिन बन नहीं सका, तो लगा मुझे अपने बच्चों को बनाना चाहिए। और मैंने अपने इन्हीं बच्चों में वो देख पा रहे हैं कि भाई मैं ही डॉक्टर बन रहा हूँ, तो यही मेरा उद्देश्य है कि भाई मैं नहीं बन सका तो मेरे बच्चे बन जाएं। और इस क्षेत्र में मुझे आपकी टीम ने, शाश्वत सर ने और खासकर सिप्रा मैम ने बहुत मदद की है, और मैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता, अपनी आभार व्यक्त करता हूँ, और मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। आपकी अथक मेहनत से हमारे बच्चों को कॉलेज मिल सका, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी। और कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने बोला कि ये एक गाड़ी के चार पहिए हैं हम, जिसमें तेज प्रताप की मदर, फादर और एक पहिया मेडिपीडिया, तभी गाड़ी सही से चल पाती है। तो कहीं ना कहीं ऑफकोर्स आपका भी बहुत बड़ा विश्वास रहा है सर अपने सपने पे, और सर एक अध्यापक हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इनका बड़ा बेटा भी डॉक्टर है जो अभी प्रोसेस में है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ दो बच्चों को डॉक्टर नहीं बना रहे हैं, और भी बहुत सारे बच्चों को आप इंस्पिरेशन दे रहे होंगे जो अपनी फील्ड में जाके आगे बहुत कुछ अच्छा कर पाए। तो आप ऑलरेडी एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेडिपीडिया के बारे में कैसे पता चला सर आपको? दिल्ली में मेरे छोटे भाई का पोस्टिंग है, वो CBI में है जी। तो मैंने उनसे चर्चा किया कि भाई मुझे एक टीम की जरूरत है, तो उन्होंने आपके बारे में चर्चा किया कि वो एक हमारे मित्र हैं, वो उनके बड़े भैया हैं, शाश्वत सर हैं, वो आपको डील करेंगे। तो मैंने उनका नंबर लिया, आपसे बात किया, और आपने मुझे ऑफिस बुलाया कि भाई आकर बैठ कर बात करते हैं, और आपने मुझे समझाया, मुझे कन्विंस किया, मुझे अच्छा लगा आपसे मिलना, और आपके प्रति मैंने मुझे विश्वास हुआ कि सर लगा कि भाई मुझे मिलना चाहिए, मैं आप पे विश्वास करूं, और मैंने आपके ऊपर विश्वास किया और आपने उस विश्वास पे खड़े उतरे। तो सर जो कॉलेज आपको मिला, आप संतुष्ट हैं उस कॉलेज से? कॉलेज अच्छा, आपने देखा कॉलेज? मैंने कॉलेज देखा, मैंने हॉस्टल भी देखा, बहुत अच्छा उनकी व्यवस्था थी, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत खुशी हुई कॉलेज देखकर। तेज प्रताप की मदर है हमारे साथ, जिनका जो एक होता है ना कि बिहाइंड द सीन, मतलब जो कभी ऐसे सामने मुझसे कभी पहले नहीं मिले हैं, आज मैं पहली बार मिल रहा हूं मैम को, लेकिन एक्चुअल कहते हैं ना कि जो माँ की ताकत है वो ही बच्चे को बहुत आगे बढ़ाती है। तो कहीं ना कहीं मदर को रिकग्नाइज नहीं करते, मदर की मेहनत को, बट हम चाहते हैं मैम आप प्लीज़ बताइए आपको कैसा लग रहा है बच्चा अपना मेडिकल करने जा रहा है। सबसे पहले शाश्वत सर, तहे दिल से मेरा आपको नमस्कार। एक शिक्षिका हूँ, मेरा बच्चा तेज प्रताप सबसे अच्छा, वो सब उसका विचार सबसे पहले मधुर और सबसे अच्छा है। मैं मेडिपीडिया में जब आई, मतलब आपसे मिली थे नहीं, लेकिन सर के द्वारा मुझे पता चला कि आपका विचार बहुत अच्छा है, आए तो तुरंत मेरा सेवा भगत में लग गए सर। ये तो बहुत अच्छा लगा सर हमको, बहुत बहुत आपको सर और सुप्रा मैम को, चार जितने टीम मेंबर जो यहाँ काम कर रहे हैं सर, सबको बहुत बहुत धन्यवाद सर मेरी तरफ से।